हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरे फार्म में कुछ बर्ड्स लिफ्ट होने वाले हैं, कुछ ब्रॉयलर्स आज मैंने बेच दिए। तो फार्म में बर्ड्स लिफ्टिंग के टाइम में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स सुरक्षित रहें, उनको कोई नुकसान ना हो, आज के वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलती रहे। तो फार्मर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे फार्म में दो गाड़ियां आ चुकी हैं बर्ड्स को लेने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से अभी काम रुका हुआ है। तो तब तक हमने बर्ड लिफ्टिंग के लिए अपने फार्म में कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, तो वो तैयारियाँ हम अपने फार्म में कर रहे हैं। तो फार्मर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम अपने फार्म के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो मुर्गियाँ हमें देखकर इधर उधर भागने लगती हैं, और जब हम उनको पकड़ने जाते हैं तो वो दौड़कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं और एक साइड वो दब जाती हैं, मतलब कि एक कोने में इकट्ठा होने लग जाएंगी। और वो जब एक साथ एक झुंड में इधर उधर दौड़ते हैं और एक कोने में इकट्ठा होने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो डर की वजह से या तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा तो वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, या तो फिर वो एक झुंड में दबने की वजह से बहुत सारे मुर्गियां मर सकती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमने अपने फार्म में एक उपाय किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने फार्म को बीच से दो भागों में डिवाइड कर दिया है, और डिवाइडेशन में हमने 30-70 का रेशियो रखा है। इसका मतलब है कि जितने बर्ड्स को हमें शुरू में पकड़ने हैं उसको हमने 30% बाहर की ओर रखा है और बाकी 70% बर्ड्स जो हैं वो अंदर की ओर हैं। जैसा कि आप डिवाइडेशन में देख सकते हैं, बाकी 70% मुर्गियां अंदर की ओर हैं। तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि जो हमें जितनी मुर्गियां पकड़नी है वही बर्ड्स इधर उधर दौड़ेंगी और वो आसानी से पकड़ा भी जाएंगी, और बाकी जो बची 70% मुर्गियां वो इधर उधर दौड़ेंगी नहीं, वो आराम से अपना फीड खाती रहेंगी। और जब इस साइड के बर्ड्स पूरे पकड़ में आ जाएंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर यही रूल हम 30-70 का बाकी बचे मुर्गियों में फॉलो करेंगे। इससे हमारे फार्म में ये बेनिफिट होगा कि मुर्गियों के दबने की समस्या नहीं आएगी, उनमें हार्ट अटैक नहीं होगा, मॉर्टलिटी नहीं होगी, और हमें नुकसान नहीं होगा, हम नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि फार्मर्स, आप सभी जानते ही हैं कि अपने फार्म में मॉर्टलिटी को रोकना एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की बात होती है। तो फार्मर्स, ये मेरे फार्म का मेरा कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी ये रूल फॉलो करिएगा ताकि आप भी नुकसान से बच सकें, और अगर आप ये रूल फॉलो करते आए हैं अपने फार्म में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फार्मर्स। तो आज थोड़ी सी बात अपने फार्म के मैनेजमेंट की कर लेते हैं। तो आज मेरे फार्म का 37वां दिन है, और 37वें दिन पर आज मेरे फार्म में बर्ड्स लिफ्ट हो रहे हैं, और 2 घंटे से भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से हमने सारे कर्टन सभी चढ़ा रखे हैं, और बारिश जैसे ही रुकेगी तो हमारे फार्म में बर्ड्स लिफ्ट होंगे, और जो 50% बर्ड्स मेरे फार्म में बच जाएंगे उनको मैं 40वें दिन पे सेल करूँगा। तो अभी आगे और वीडियोस आने वाली हैं फार्मर्स, तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करिए, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट गेन करिए अपने फार्म में, और कोई भी समस्या अगर आती हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर समस्या बड़ी होगी तो मैं उस विषय पे वीडियो भी बना दूंगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।